नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। ऑटो यात्रियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जनपदी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। चोरी हुए नकदी व जेवर की 100% बरामदगी की गई है। गैंग के 6 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना विस्तार पूर्वक से उक्त चोरी की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में घटना के सफल अनावरण एवं घटना से संबंधित अभियुक्तों के यथाशीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष ड्रमंडगंज को निर्देशित दिए गए। उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 12 जून 2023 को थाना ड्रमंडगंज पुलिस द्वारा सुराग रसी, पतारसी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए घटना से संबंधित अभियुक्तों के ऑटो और मोटरसाइकिल से सवार होकर कहीं जाने के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना ड्रमंडगंज पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर ऑटो एवं मोटरसाइकिल सवार 6 अभियुक्तों मोहम्मद ताजिम, आमिर, करीम, घनश्याम, अकबर, उमेश कुमार वैश्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धारा 379 भारतीय दंड विधिक से संबंधित चोरी हुई 100% माल, 1 अदद करधन, 1 अदद छागल, 1 अदद अंगूठी, 1 अदद लाकेट व 3500 रुपया बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया तथा चोरी की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त ऑटो वाहन संख्या UP70ST1974 व मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP70FC6163 के वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर अंतर्गत धारा 207 MB Act के तहत सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि हम लोगों का एक गैंग गिरोह है जो सुनियोजित ढंग से ऑटो में यात्रियों को बैठाकर उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने के दौरान उनका सामान, पैसा, पर्स इत्यादि को मौका देखकर चोरी कर लेते हैं। चोरी की सामानों को उमेश कुमार वैश्य को बेच देते हैं तथा उससे प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते हैं, जिनके द्वारा पूर्व में जनपद रीवा, मध्य प्रदेश, प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ आदि जनपदों में इसी प्रकार की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है तथा कई बार जेल जा चुके हैं। आइए इस घटना के संबंध में मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र क्या बताते हैं, सुनते हैं। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें थाना ड्रमंडगंज टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें CO लालगंज के नेतृत्व में 6 बदमाशों को पकड़ा गया है जो जिन्होंने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया था और इसमें टप्पेबाजी में गई हुई जो माल है उसको 100% बरामद कर लिया गया है, जिसमें कि अंगूठी है, लॉकेट है और पैसे इत्यादि थे, वो सब बरामद किया गया है। ये बदमाशों से पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये ऑटो का संचालन करते हैं ड्रमंडगंज क्षेत्र में, जहाँ पे कि जो सवारी होते हैं उनको बैठाते हैं। उस गाड़ी में ऑलरेडी पहले से ही कुछ सवारी बैठी होती है जो इनके ही गैंग के लोग होते हैं और आगे जाके ये कहते हैं कि भाई ऑटो हमारा ख़राब हो गया, आप उतर जाइए, और उसी बीच में पीछे से उनका जो सामान होता है उसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें 6 लोग, मोहम्मद ताजिम, आमिर, करीम अंसारी, घनश्याम, अकबर, उमेश, इनको गिरफ्तार किया गया है जो कि जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं मूलतः, और साथ ही साथ इन पर पूर्व के भी मुकदमे हैं। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ऐसे ही टप्पेबाज चोरों के जो गैंग हैं इन पर गैंगस्टर करके इनकी संपत्ति भी आगे कुर्की जाएगी।